हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.5 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स एडी एंड बीसी। देखिए एबीसीडी आपका ये स्क्वायर है, मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। यहां पर देखिए एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स एडी एंड बीसी। देखिए आपका एक्स पॉइंट एडी पर लाई करता है, लेट्स से यहां पर आपका एक्स पॉइंट लाई करता है और BC पर आपका लाई करता है Y पॉइंट। ओके, यहां पर ये यह आपका X हो गया और ये पॉइंट हो गया आपका Y। इसके बाद आपको बोला गया है सच दैट AY इज इक्वल टू BX। इसका सिंपल सा मतलब है आपको ये लाइंस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। लेट्स से ये आपकी बन जाती है AY और BX आपकी बन जाएगी ये वाली। यहां पर इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आपकी हो गई BX और ये हो गई आपकी AY और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसके बाद आपको प्रूव करना है BY इज इक्वल टू AX। देखिए BY आपकी ये वाली लाइन है और AX आपकी ये वाली लाइन है। ओके, तो इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। इसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है एंगल BAY। देखिए BAY यानी कि आपका एक ट्रायंगल हो गया BAY और दूसरा ट्रायंगल हो जाता है ए बी एक्स। ओके, तो ये एंगल आपको प्रूव करना है इस एंगल के। देखिए यही तो बोला है एंगल बी ए वाई, बी ए वाई और एंगल ए बी एक्स, ए बी एक्स। तो आपको लेना पड़ेगा इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से होंगे, इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल बी ए वाई। देखो सिंपल सा मतलब है आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जो जो आपको गिवन है वहीं से आपको शुरुआत करनी है। तो आपको गिवन है ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, है ना, ये आपको गिवन है। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी। देखिए आपका ये जो बेस है, ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आता है, दोनों ही ट्रायंगल्स का पार्ट है, तो ये आपका कॉमन पार्ट है। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आप लिखोगे, ये हो जाता है आपका कॉमन, है ना। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर के अंदर आपको स्ट्राइक करना चाहिए सभी साइड्स बराबर होती हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब है ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें ए बी एक्स की, तो ये वाला आपका एंगल 90 डिग्री होगा और हम बात करें ए बी वाई की तो आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दो एंगल वो लेने हैं जो 90 डिग्री के होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं एंगल बी ए एक्स, ओके, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, इज इक्वल टू आप लिखेंगे ए बी वाई। ओके, ए बी वाई, है ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी आपको गिवन है। तो यहां पर आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ आरएचएस रूल आपने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ये आपका राइट एंगल होगा, ओके, और ये आपका क्या होगा, एक साइड होगी और ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। देखिए 90 डिग्री एंगल के जो सामने साइड होगी बी एक्स और यहां पर देखिए इस एंगल के सामने आपकी साइड है ए वाई, तो ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। तो ये बन जाता है आपका आर एच एस रूल। तो आप यहां पर लिखेंगे बाई आर एच एस कांग्रेंस रूल, यू कैन से
ट्राइंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू, और यू कैन से कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए वाई. ओके, अब देखिए आपको प्रूव करना था बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स, है ना. आपको ये प्रूव करना था कि ये जो साइड है ये आपकी बराबर है, ठीक है, एक दूसरे के, और साथ में एंगल भी आपको प्रूव करना है. तो आप इन सभी बातों को सीपीसीटी से बोल सकते हो कि ये भी बराबर होंगी, क्योंकि ये सभी चीजें इन दोनों ट्रायंगल का हिस्सा हैं. तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफोर बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ये होगा आपका सीपीसीटी से इक्वल. ओके, और इस एंगल को भी आप लिख दोगे विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, यू कैन से एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी एक्स, ये भी आपका सीपीसीटी से इक्वल होगा. तो इस तरीके से आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन सभी पॉइंट्स को इक्वल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी. तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.